हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपके सेमेस्टर टू की डेटशीट आ चुकी है और उनकी डेट भी फाइनलाइज हो चुकी हैं और उसी के साथ सीआईएससी ने कुछ गाइडलाइंस रिलीज़ की हैं आपके सेमेस्टर टू एग्ज़ाम्स के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 6 जो आपको बहुत काम आएंगी जो उन्होंने रिलीज़ की हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट भी हैं और आप कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैं पहली गाइडलाइन से स्टार्ट करता हूँ। कैंडिडेट्स विल कैरी देयर ओन हैंड सैनिटाइज़र इन ट्रांसपेरेंट बॉटल। तो पहली गाइडलाइन यही थी कि आपको एक अपने लिए हैंड सैनिटाइज़र लाना है बॉटल। कैंडिडेट्स विल कवर देयर नोज़ माउथ एंड नोज़ विद मास्क। आपको एक प्रॉपरली मास्क पहन कर आना है पूरे एग्ज़ाम के दौरान। थर्ड पॉइंट, कैंडिडेट्स विल फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। मतलब आपको जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो भी डायरेक्शंस और जो नॉर्म्स बताए गए हैं वो आपको सभी फॉलो कर रहे हैं। पेरेंट्स विल गाइड देयर वार्ड्स अबाउट प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय देम टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ COVID-19। तो और जो पेरेंट्स हैं उन्हें अपने वार्ड्स को, जो चिल्ड्रन हैं उनको गाइड करना है कि किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट रखें COVID-19 से और सारे जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करें। नेक्स्ट गाइडलाइंस ये है, पेरेंट्स विल इंश्योर दैट देयर वार्ड इज़ नॉट सिक। मतलब पेरेंट्स को ये ध्यान रहे, मतलब ये एश्योर हों कि उनका जो चिल्ड्रन है, जो वार्ड है, वो सिक नहीं है, वो एकदम फिट एंड फाइन है। ये नेक्स्ट गाइडलाइंस थी। All instructions issued while appearing in exams center will be strictly adhered by the candidates. मतलब जो भी information guidelines दी गई हैं वो सभी guidelines properly follow होनी चाहिए candidates द्वारा। अब next guideline पे, candidates will follow all instructions given on admit card. मतलब जो आपको admit card मिलेगा उस पर भी instructions और guidelines दी गई होंगी और आपको उनको भी follow करना है। Next guideline, ड्यूरेशन फॉर ईच एग्जामिनेशन विल बी एज गिवेन इन द डेट शीट एंड एडमिट कार्ड। जो मतलब आपकी जो ड्यूरेशन है एग्जाम्स की, कितनी देर आपका एग्ज़ाम चलेगा, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके एडमिट कार्ड और आपकी जो डेट शीट है उस पर दी गई होगी। आप उसे ध्यान से देख लें, क्वेश्चन पेपर पर भी होगी। तो नेक्स्ट अपडेट, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। मतलब आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। मतलब आपको रिटन टाइम के अलावा, ये एक्सक्लूडेड है, आपको रिटन टाइम ये इंक्लूडेड नहीं होगा, ये अलग से होगा। शुरू में आपको 15 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा टू रीड द क्वेश्चन पेपर। ओके, नाउ लास्ट अपडेट इज, फॉर अपडेट्स द स्टूडेंट्स में विजिट www.cisc.org.in। आपकी जो CISC की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर आप जाके विजिट कर सकते हो और सारी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। तो इस वीडियो में यही सारी अपडेट्स थी जो गाइडलाइंस CISC द्वारा इशू की गई थी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।